नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें बताऊंगा हेयरिंग एड मशीन को कैसे यूज़ करना है, उसके फंक्शन, उसको कैसे क्लीन करते हैं इसके बारे में, और हेयरिंग एड मशीन क्या है। जिस तरह हमें आंखों में कम दिखाई देने पर हम चश्मा का यूज़ करते हैं, उसी तरह हमें अपने कानों में कम सुनाई देने पर हम हेयरिंग एड मशीन का यूज करते हैं। ये मशीन है, ये उन्हें लगती है जिन्हें कम सुनाई देता है। ये बीटी होती है और इसमें दो तरीके होते हैं, एक मैनुअल कंट्रोल होता है और एक डिजिटल। मैनुअल जो होता है वो यहाँ से कंट्रोल करते हैं हम आवाज बढ़ाने और कम करने के लिए। जब भी हमें आवाज बढ़ानी होती है तो ऊपर दो बारी प्रेस कर देते हैं, और जब कम करनी होती है तो नीचे दो बारी प्रेस करते हैं। अब इसमें सेल कैसे पाते हैं, यहाँ से हमारा सेल डोर ओपन होता है, इसको ऐसे प्रेस करो और ये खुल जाता है। और हमें सेल कैसे पाना है, इसका हमेशा पॉजिटिव साइज, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन बना है, ये आप देख सकते हैं, इसको हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव साइन में हमें ऊपर दिखना चाहिए। ये देखिए अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है, और बैक साइड से हमें ऐसे दिखेगा व्यू। और इसे ऐसे ही बंद कर दें, अभी आपको आवाज आएगी, ये अभी आपको आवाज आ रही होगी इसमें टी। अभी ये मशीन स्टार्ट हो गई है। जब भी हमें इसे लगाना होता है, ये टिप होती है, हम पेशेंट के साइज के हिसाब से इस टिप को काटते हैं और उनके कान में इसे लगा देते हैं। ये इतनी टिप कम से कम कान के अंदर जाती है, तब हमें आवाज साफ आती है। और जब भी हमें इसे यूज नहीं करना है, रात में सोने के टाइम इसे निकालना है, तो हमेशा इसका सेल डोर ऐसे ओपन कर दें और इस वाइट डब्बे में रख दें। इस डब्बे में इसलिए रखते हैं ताकि इसमें अगर कोई मॉइस्चर हो तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको हमेशा ऐसे ही डब्बी में सेल खोल के ऐसे रख दें और डब्बी बंद कर दें, और ये हमारी मशीन ऐसे ही बंद हो जाती है। ये मशीन इसमें से जब यूज करना हो इसे निकाल लें और ऐसे सेल इसको बंद कर दें। और एक बात का ध्यान रखें, इस टिप में कई बार आपके कान में वैक्स होती है, जिसे हम मैल भी कहते हैं, अगर इसमें भर जाता है तो हमारे पास यहाँ पे उसके लिए कपड़े हैं, आप इस ब्रश से इसके अंदर साफ कर सकते हैं और उसके बाद इस कपड़े से उसको बाहर से साफ कर दें। ये आपका टिप साफ हो जाएगा, उसके बाद कान में लगाएं। और आपको ये डब्बी मिलती है काले रंग की, जब आप बाहर जाएं तो इस डब्बी को साथ लेके जाएं। इनकेस अगर बाहर बारिश होने लग जाए तो इस डब्बी में आप मशीन को ऐसे ही सेल डोर खोल के ऐसे इसमें रख दें, और आप इसे कैरी कर सकते हो पॉकेट में इजिली।